हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज ज्वाइन क्विकली सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन गाइस। So, hi Praveena, very good evening, how are you? So these are the key points on which you have to work on a regular basis. So Mudassir, hi Mudassir, very good evening. Okay guys, tell me one thing, how many of you have done the English speaking conversation today? How many of you? 10 minute, 5 minute? Okay, so hesitation पे आपने कितना काम किया आज दिन भर में, और आप जब इंग्लिश आज बोलने का ट्राई किए तो क्या आपने मन में ट्रांसलेट किया या नहीं किया, राइट? सो इसको आपने कितना रिड्यूस किया, दैट मीन्स आप बिना मन में सोचे, बिना मन में ट्रांसलेट किए आप इंग्लिश में कह रहे हो, राइट? सो यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग द थिंग्स इन योर माइंड, व्हाट एवर यू वांट टू से। सो इफ यू आर एबल टू डू दिस थिंग देन यू कैन फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। ओके, सो नेक्स्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी पे कितना वर्क किया आप लोगों ने गाइस? So environment obviously is most important points, right? जिस जहाँ पे आप regular practice करते हो, और regularity, consistency, आप कितना consistent हो, okay? धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे। How will you say guys? Okay, so आज actually हम तीन part ही करेंगे, जिसमें कि spoken होगा and grammar में जो भी fine है ना, धीरे धीरे के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रेजुअली। सो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, हाउ विल यू से? So gradually people are becoming aware, gradually people are becoming aware, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। So gradually people are becoming, so यहाँ पे देखिए क्या है guys, क्या यूज हो रहा है, हो रहे हैं, हो जाएगा तो बी लगा, यहाँ पे हो जाएंगे तो विल लगा, राइट? विल, और यहाँ पे बी क्यों आएगा, हो, यहाँ पे क्या है, हो, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, बी। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, है ना। सो धीरे धीरे मेरा सिर दर्द कम हो रहा है, सो धीरे धीरे मेरा सिर दर्द कम हो रहा है, सो हाउ विल यू से? So gradually my headache is reducing, है ना, gradually my headache is reducing, या gradually my fever is reducing, gradually my pain is reducing, है ना।
धीरे धीरे मुझे आपकी कक्षाओं से प्यार हो रहा है, सुधरेंगी। सो ग्रेजुअली योर हैबिट्स विल इम्प्रूव, ग्रेजुअली योर हैबिट्स विल इम्प्रूव, धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार होगा, धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार होगा, धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार होगा, धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार होगा। So gradually your health will improve. Gradually that means आप किसी में अब देखिए प्रवीणा यहाँ पे जब आप स्लोली यूज़ कर रहे हो, स्लोली एक मूवमेंट होता है राइट, कोई भी काम कर रहे हैं एक कुछ भी मोमेंटम हो रहा है तो उसमें स्लो एंड फास्ट के लिए होता है राइट। और यहाँ पे क्या है, एक हैबिट है या एक कुछ ऐसा यू नो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो उसमें आप ग्रेजुअली यूज करते हैं राइट। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी आदतें सुधर जाएंगी या धीरे धीरे आपकी यू नो सेहत सुधर जाएगी, ग्रेजुअली योर हेल्थ विल इम्प्रूव। मैं यहाँ आकर गलती की है, मैंने यहाँ आकर गलती की है, हाउ विल यू से, मैंने यहाँ आकर गलती की है, मैंने यहाँ आकर गलती की है, हाउ विल यू से। सो आई मेड ए मिस्टेक्स बाय कमिंग हेयर, आई मेड ए मिस्टेक्स बाय कमिंग हेयर, मैंने यहाँ आकर गलती की है, आई मेड ए मिस्टेक्स बाय कमिंग हेयर। आप उस पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं, हाउ विल यू से गाइस, आप उस पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं। सो वी विल से यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स बाय ट्रस्टिंग हिम, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स बाय ट्रस्टिंग हिम और ट्रस्टिंग ऑन हिम। उनकी बातों में आकर मैंने गलती कर दी, उनकी बातों में आकर मैंने गलती कर दी, उनकी बातों में आकर मैंने गलती कर दी। सो आई मेड ए मिस्टेक्स बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स राइट, आई मेड ए मिस्टेक्स बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स, उनकी बातों में आकर मैंने गलती कर दी, हाउ विल यू से। सो आई मेड ए मिस्टेक्स, मैंने गलती कर दी बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स, बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स। ओके, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। सो मैंने क्या किया, गलती किया। एंड बाय का यूज क्या होता है, जब किसी चीज़ कोई चीज़ ड्राइव किया जाता है किसी के यू नो या तो एक टाइमलाइन के पहले एक जब डेडलाइन डिसाइड होता है तो एक डेडलाइन डिसाइड करने के लिए या किसी भी चीज़ को ड्राइव जब किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए हम बाय का यूज किया जाता है, जैसे कि उसके द्वारा या किसी के द्वारा या मंडे तक या किसी एक यू नो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दिया जाता है या पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता है तो उसके लिए हम
बाय का यूज करते हैं, राइट। आई मेड ए मिस्टेक्स, मैंने मिस्टेक्स किया यहाँ आकर, यहाँ आए देन फिर आपने मिस्टेक्स किया। तो एक यू नो एक हर्डल और एक स्टैटिक रीजन हुआ, एक स्टैटिक पॉइंट हुआ जिसको करके आपने यू नो गलती कर दिया। सो यहाँ पर आपने गलती क्या करके किया, यहाँ आकर किया। तो क्या रीजन है, तो बाय कमिंग हेयर, यहाँ पर आने के द्वारा, यहाँ पे जैसे आया तो वही रीजन बन गया आपके यू नो गलती करने का, या यू नो जो रीजन है जिसके कारण आपने मिस्टेक्स किया। सो यहाँ पे बाय कमिंग हेयर, राइट। सो बाय कमिंग हेयर एज ए एक फिक्स्ड सिचुएशन है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। सो इसके लिए जब भी आपका एक डेडलाइन डिसाइड हो, या एक फिक्स पॉइंट डिसाइड हो, या कोई चीज़ किसी के द्वारा ड्राइव हो, तो उसके पहले हम बाय का यूज करते हैं। मैंने क्या, मैंने कोई गलती की है, सो क्या मैंने कोई गलती की है, हैव आई मेड एनी मिस्टेक्स, हैव आई मेड एनी मिस्टेक्स, परवीना आपको समझ में आया बाय का यूज? देखिए बाय का यूज फर्स्ट सिचुएशन होता है कि यू नो जब एक फिक्स टाइम, बाय मंडे आई हैव टू डन समथिंग, राइट। तो बाय मंडे का क्या हुआ, मंडे से एक टाइम लाइन से पहले ही आपको कुछ करना है, राइट। तो वहाँ पे बाय का यूज होता है। दूसरा, जब कोई एक स्टैटिक रीजन होता है या स्टैटिक हर्डल्स होता है, राइट, तो उसके पहले हम बाय का यूज करते हैं, राइट। दो मोस्ट कॉमन थिंग है, पहले यू नो जब एक स्टैटिक टाइम लाइन दिया जाता है, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, राइट, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। एंड सेकेंडरी थिंग जो है, जब एक कोई भी फिक्स रीजन होता है, फिक्स स्टैटिक हर्डल्स होते हैं, या स्टैटिक रीजन होता है, तो उसके पहले बाय का यूज होता है। बाय दिस रीजन आई डिडंट यू नो एग्जीक्यूट दिस, राइट। बाय लाइक यू नो दिस प्रॉब्लम, राइट, आई कुडंट मेड दैट थिंग, सो काइंड ऑफ थिंग। एंड दूसरा और भी कॉमन होता है, बाय स्कूटी आई रीच्ड देयर। तो ये सिंपल है, जब पैसिव में सेंटेंस करते हैं तो इसके द्वारा ये किया गया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बाय का यूज होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैसिव केस, यहाँ पे जब एक टाइमलाइन और जब एक रीजन और स्टैटिक्स हेडल्स को बताया जाता है, या रीजन को बताया जाता है, तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। ओके, सो हम प्रीपोजिशन में देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग। आप बच्चे को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं, आप बच्चे को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं। हाउ विल यू से गाइस, आप बच्चे को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं। आप बच्चे को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं। सो यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स बाय गिविंग द किड ए फोन, तो ए फोन टू किड, गिविंग द किड ए फोन, राइट। सो यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स बाय गिविंग द किड ए फोन, राइट। सो यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स, आप गलती कर रहे हैं, बाय गिविंग, राइट, बाय गिविंग ए फोन टू किड, अपने माता पिता को देखने जाओ, हाउ विल यू से, अपने माता पिता को देखने जाओ, हाउ विल यू से,
सो गो टू सी योर पेरेंट्स। उस लड़के के साथ रहो, उस लड़के के साथ रहो। सो स्टे विद दैट बॉय, स्टे विद दैट बॉय। सो इस लड़की को यहाँ काम करने दो, इस लड़की को यहाँ काम करने दो। हाउ विल यू से? इस लड़की को यहाँ काम करने दो। लेट दिस गर्ल वर्क हेयर, लेट दिस गर्ल वर्क हेयर। लेट दिस गर्ल वर्क हेयर। लेट दिस गर्ल वर्क हेयर। मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हाउ विल यू से? सॉरी गाइस, एक्चुअली आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा डाउन है, सो मेरा हेल्थ इज़ नॉट ओके टुडे, सो ओके सॉरी फॉर दैट। ओके सो आई एम ट्राइंग टू यू नो कंप्लीट दिस सेशन। ओके सो मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हाउ विल यू से? मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सो आई डिडेंट मीन, है ना, मेरा इरादा नहीं था, राइट? आई डिडेंट मीन, राइट, टू हर्ट योर फीलिंग, टू हर्ट योर फीलिंग, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। आई डिडेंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग, मेरा इरादा नहीं था कि आपकी भावनाओं को हम ठेस पहुंचाएं, राइट? आई डिडेंट मीन, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, या मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। ओके सब जब जब आप ग्रुप में होते हैं तो आप बात करते हैं फ्रेंड से, तो अनफॉर्चुनेटली स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है, तो आप क्या कहते हो? सो मेरा ये मतलब नहीं था, ये बाय मिस्टेक्स हो गया, राइट? सो आई डिडेंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था। सो टू हर्ट योर फीलिंग, टू हर्ट यू, मेरा तुम्हें इतनी देर से फ़ोन करके आने का इरादा नहीं था, राइट? फ़ोन करने का इरादा नहीं था। सो मेरा तुम्हें इतनी देर से फ़ोन करने का इरादा नहीं था। तो मुझे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें लेट कॉल करूं, राइट? इसका सेंस यहाँ पे ये आ रहा है, सो आई डिडेंट मीन टू कॉल यू सो लेट। प्रियांशु पंडित, हाय प्रियांशु, हाउ आर यू? सो मेरा तुम्हें इतनी देर से फ़ोन करने का इरादा नहीं था। आई डिडेंट मीन टू कॉल यू सो लेट। जब आप फ्रेंड्स को, किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी के कॉल का, आपके फ्रेंड्स के कॉल का, तो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं, तो जब कॉल आता है तो वो आपको आपसे एक्सक्यूज कर मांगता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको लेट कॉल करूं, बट आई वॉज इन समथिंग, दैट्स वाई आई कुडेंट मेक यू कॉल। ओके सो जो कुछ हुआ उसके बारे में मेरा झूठ बोलने का इरादा नहीं था, राइट? जो कुछ हुआ उसके बारे में मेरा झूठ बोलने का इरादा नहीं था। सो आई डिडेंट मीन टू लाई अबाउट वॉट हैपेंड, आई डिडेंट मीन टू लाई, आई डिडेंट मीन टू लाई, मेरा झूठ बोलने का इरादा नहीं था। आई डिडेंट मीन टू लाई, आई डिडेंट मीन टू लाई अबाउट वॉट हैपेंड, है ना? अच्छा, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं था, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। हाउ विल यू से?
मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। I didn't mean to embarrass you. मेरा इरादा इतनी देर तक बाहर रहने का नहीं था। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मुदसिर, आपने जो आंसर किया, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। शर्मिंदा करना, राइट, या फिर शर्म करना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है इसमें थोड़ा सा, राइट। तो साइनेस मतलब एक शर्मीलापन, राइट, और शर्मिंदा करना दूसरे को, यू नो लाइक एम्बैरेस फील कराना दूसरे को, यू नो सभी के सामने कुछ ऐसा कर देना, कि एक साइनेस दैट इज एक खुद की क्वालिटी होती है, बट यहाँ पे एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा कराना, काइंड ऑफ बेइज्जती कराना, राइट। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड शर्माना एक अलग तरह की खुद की क्वालिटी होती है, दैट इज़ गुड थिंग, बट शर्मिंदा करने का इरादा नहीं था, मतलब बेइज्जती करने का या ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, तो यहाँ पे एम्बैरेस होगा, राइट। अच्छा, मेरा इरादा इतनी देर तक बाहर रहने का नहीं था। आई डिडेंट मीन टू स्टे आउट सो लेट, है ना। तो स्टे आउट मतलब बाहर रहना, स्टे आउट के लिए यहाँ पे क्या आया है, बाहर रहना, स्टे आउट मीन्स बाहर रहना, है ना। आई डिडेंट मीन टू स्टे आउट, देर तक बाहर रहने का मेरा इरादा नहीं था। So I didn't mean to stay out so late. मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था. So मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था. How will you say, guys? मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था. So I didn't mean to say those things. ये बातें, those things. I didn't mean to say those things. अच्छा, मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था. So मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था. So I didn't mean to leave you out. मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था. So I didn't mean to leave you out. मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था. So next, मेरा इरादा आपको भ्रमित करने का नहीं था, राइट। सो मेरा इरादा आपको भ्रमित करने का नहीं था। सो आई डिडेंट मीन टू मेक यू कन्फ्यूज्ड, मेरा इरादा आपको भ्रमित करने का नहीं था।
I didn't mean to make you confused. मेरे पास समझाने का समय नहीं है. How will you say, guys? मेरे पास समझाने का समय नहीं है. How will you say? मेरे पास समझाने का समय नहीं है. तो मेरे पास समझाने का समय नहीं है. सो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन. आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन. सो आई वाज सेइंग पुष्पा, सो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दोनों में डिफरेंस है. किसी को समझाना मीन्स एक्सप्लेन करना, खुद समझना दैट इज अंडरस्टैंड, है ना. सो मेरे पास खाने का समय नहीं है. सो मेरे पास आई हैव नो टाइम टू टेल यू स्टोरी. सी I don't have time to eat. मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है. मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है. सो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज. मेरे पास बात करने का समय नहीं है. मेरे पास बात करने का समय नहीं है. मेरे पास बात करने का समय नहीं है. सो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक. आई डोंट हैव टाइम टू टॉक. सो गाइस, आज हम करेंगे नीड एंड देयर से रिलेटेड सेंटेंस. आज हम करेंगे नीड एंड देयर से रिलेटेड सेंटेंस. ओके. So,
नीड मीन्स आवश्यकता होता है, राइट, टू हैव और टू बी या नेसेसरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था गाइस, नीड कब यूज होता है, वांट कब यूज होता है। वांट दैट मीन्स आपका विलिंगनेस, आपकी इच्छा, और नीड होता है दैट इज नेसेसिटी, है ना, किसी चीज़ के बिना आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, सो दैट इज नेसेसरी, राइट, नेसेसिटी। तो इस सिचुएशन में आप नीड यूज़ करते हो, और जहाँ पे आपका विलिंगनेस होता है, जहाँ की आपकी इच्छा होती है, वहाँ पर आप वांट यूज करते हो, राइट। सो यहाँ पर यू नो नीड एंड डेयर, डेयर ऑब्वियसली आपको कैरेज के लिए यूज होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे साहस राइट के लिए यूज होता है, तो इसमें सेंटेंस को आपको एनालाइज करना होगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ेगा, ओके। सो यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी की बात आ गई, राइट, सो आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं, राइट। सो नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना आवश्यक है, राइट, नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना आवश्यक है। सो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी की बात हो रही है, आवश्यकता कंपल्सन की बात हो रही है। सो मैं नहीं मानता, राइट, ही नीड वियर ए कोट, उसे एक कोट पहनना चाहिए या उसे एक कोट पहनने की आवश्यकता है। मैं नहीं मानता कि उसे एक कोट पहनने की आवश्यकता है, मैं नहीं मानता, I don't assume that पुष्पा नीड लाइक स्पेयर टाइम टू अटेंड दिस इंग्लिश सेशन, है ना, मैं नहीं मानता कि पुष्पा को एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत है इंग्लिश सीखने के लिए, बिकॉज शी हैज अ लॉट टाइम, राइट। सो यू नीड नॉट टू टॉक विद हर, तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट मुद्दसिर, ओके। सो ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता है, है ना, सो ही डज नॉट नीड माई हेल्प। सो यहाँ पे नीड और डेयर, राइट, कैसे यूज होता है गाइस, वर्ब के फॉर्म की तरह यूज होता है, मैन वर्ब की तरह, राइट, सो इसका फॉर्म भी चेंज होता है। सो ही डजंट नीड माई हेल्प, ओके, डज ही नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी आवश्यकता है, तो आप जहाँ पर इस सेंटेंस को देखेंगे, आवश्यकता है या ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, मॉडल वर्ब एज ए नीड यूज करोगे, राइट। सो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, राइट, तो यहाँ पर डेयर कैसे यूज हुआ गाइस, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की साहस नहीं है, उसे वहाँ जाने की साहस नहीं है, उसे वहाँ जाने का साहस नहीं है, ही डजंट डेयर टू गो देयर, उसे वहाँ जाने का साहस नहीं है। हाउ कैन सी डेयर, वह कैसे साहस कर सकती है, वह कैसे साहस कर सकती है, है ना, टू अपोज हर फादर, अपने पिता का अपोज करने का साहस कैसे कर सकती है, वह अपने पिता के अगेंस्ट जाने का साहस कैसे कर सकती है। How can she dare to oppose her mother's decision? Her mother's decision, right? I don't need to go there. Acha. ठीक है. Acha. So I need not go there. तो यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है,
और यहाँ पे एज ए मैन वर्ब की तरह यूज हुआ है। सो ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ही डज नॉट नीड टू, डज नॉट यूज हुआ, और यहाँ पर अगर रहता ही नीड्स टू गो देयर, तो इस तरह का अगर सिनेरियो आएगा तो यहाँ पे ऑर्डिनरी, यहाँ मॉडल वर्ब का की तरह यूज नहीं होगा। सो जैसे हाउ डेयर यू टच हर, तुमने साहस कैसे किया उसे टच करने का, तो यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, राइट। सो ये सेंटेंस के सेंस से पता चलता है कि जहाँ पे आवश्यकता की बात हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत की बात हो रही है, जहाँ पे साहस की बात हो रही है, जहाँ पर हिम्मत की बात हो रही है, सेंस आ रहा है सेंटेंस से, तो उसमें मॉडल वर्ब नीड और डेयर की यू नो यूज होने वाली है, राइट गाइस। अच्छा, सो आई एम जस्ट मूविंग इट। अच्छा, अपने उसने अपने दुश्मनों का सामना करने की हिम्मत दिखाई, हाउ विल यू से गाइस, उसने अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाई, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हिम्मत दिखाई गाइस। सो उसने अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाई, हाउ विल यू से, इसको आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे, उसने, हाउ डेयर यू इरिटेट हर, ओके दैट्स राइट। हाय वीरेंद्र गौतम, यू आर न्यू ओवर हियर, ही डेयर टू शो द, उसने अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाई, यहां पे क्या कहेंगे, उसने क्या किया, यहां पे मैन वर्ब क्या है, उसने सामना करने की हिम्मत दिखाई, राइट। तो हिम्मत दिखाई दैट मीन्स डेयर, यहाँ पे यूज होगा मॉडल वर्ब, राइट, तो सामना करने का, तो उसने ही डेयर टू फेस, है ना, तो ही उसने हिम्मत दिखाई, ही डेयर टू फेस, राइट, ही डेयर्स टू फेस हिज इनमी, राइट, ही डेयर्स टू फेस हिज इनमी, उसने हिम्मत दिखाई, राइट, यहाँ पे एज ए यू नो ही डेयर्स टू फेस हिज इनमी, ओके। सो मैंने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो, राइट, अगर आप बॉस के सामने हो, राइट, एंड वो गलत बोल रहे हैं, तो आपने हिम्मत करके बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग, राइट। सो आपने हिम्मत दिखाई, आपने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो, है ना, तो क्या कि मैंने कहने की हिम्मत की, आई डेयर टू से दैट यू आर लायर और यू लाई, ओके। सो ही डेयर्स टू फेस हिज इनमीज, इनमी, राइट, पुष्पा, ओके ओके, ग्रेट गौतम, गौतम आज का क्लास टू द मार्क नहीं हो पा रहा है बिकॉज आई एम नॉट फाइन टूडे, सो ओके, रेगुलर 9 o'clock क्लास होता है एंड कल का क्लास स्पेशली स्पोकन इंग्लिश का होगा, राइट, एंड उसने अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाई, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, मैंने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो, सो आई डेयर टू से दैट यू आर ए लायर, सो
हाई. ओके सो पास्ट इंडिफिनिट टेंस दैट्स एब्सोल्युटली राइट मुदसिर. ही डेयर टू फेस दैट्स एब्सोल्युटली राइट. योर क्वेश्चन योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली जेन्युइन मुदसिर. इट्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस. सर व्हाई डिड यू यूज देयर्स देयर. नो यहाँ पे दिखाता है होगा राइट जो ट्रांसलेशन हुआ है. ओके सो यहाँ पर दिखाता है इट्स नॉट इट्स देयर राइट. इट्स देयर लेट्स मूव ऑन. इट्स अ देयर यू कैन यूज ओवर हियर देयर राइट. दिखाई ऑब्वियसली इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इट्स द बेसिक थिंग्स इट्स द बेसिक एरर. ओके सो जैसे कि यहाँ पे क्या है. हाँ सो यहाँ पे देखिए क्या है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मुदसिर. ही डेयर्ड साहस किया. तो यहाँ पे दिखाई हिम्मत दिखाता है राइट. यहाँ पे क्या होगा हिम्मत दिखाता है राइट. ही डेयर्स होगा एंड दिखाता है होगा. यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है. साहस कर किया तो डेयर्ड टू रिस्क हिज लाइफ है ना मुदसिर. सो दैट्स गुड आईज ओवर हेयर मुदसिर. योर गुड आइज ओवर हेयर. यू आर वेरी फोकस्ड. ओके उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया. यहाँ पे देखिए किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. राइट और यहाँ पे क्या है हिम्मत दिखाई. दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा डेयर आएगा. सो ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ. उसने अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया. सो ही डेयर्ड उसने साहस किया. क्या भाई तो अपनी जो है लाइफ अपनी लाइफ को जोखिम में डालने का. जोखिम में डालना रिस्क लेना. सो ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ. ओके वे लुटेरों का सामना करने की हिम्मत करेंगे. सो अगेन यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा गाइस. वे लुटेरों का सामना करने की हिम्मत करेंगे. एनीबडी वांट टू आंसर गाइस. ओके वे लुटेरों का सामना करने की हिम्मत करेंगे. दे विल डेयर टू ओके फेस द रॉबर राइट. लुटेरों का क्या होगा रॉबर. रॉबर जो कि लुटेरा होते हैं राइट. सो दे विल डेयर टू फेस द रॉबर. ओके सो क्या वह जिलाधिकारी से बात करने की हिम्मत करेंगे. हिम्मत करता है राइट. हिम्मत करता है. सो क्या वह जिलाधिकारी से बात करने की हिम्मत करता है. यहाँ पे क्या आएगा गाइस. डज ही डेयर टू टॉक विथ टी एम है ना. तो करता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. जैसे ये वाला सेंटेंस है तो इसमें डेयर एज ए वर्ब का यूज हो रहा है इंस्टीड ऑफ मॉडल वर्ब है ना. डेयर का यूज यहाँ पे एज ए वर्ब का यूज होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा डज ही डेयर टू टॉक टू डी एम है ना जिलाधिकारी से. ओके सो अच्छा वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है राइट. सो तुमने ऐसा ना कहने का साहस किया. आप बिना अनुमति के कैसे प्रवेश करते हैं राइट. सो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हिम्मत करो तुम लुटेरों का सामना करो राइट. सो हिम्मत करके तुम उससे लड़ो. हाउ विल यू से. एनीबडी वांट टू आंसर गाइस.
मुदसिर आर यू देयर इन द क्लास प्रवीना वीरेंद्र पुष्पा अच्छा सो वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है राइट सो जाने की हिम्मत नहीं करता है सो यहाँ पे क्या आएगा गाइस वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है सो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर राइट सो यहाँ पे एज ए जो डेयर यूज होगा वर्ब यूज होगा ओके ही डज नॉट डेयर टू गो देयर वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है तुमने ऐसा ना कहने का साहस किया सो यू डोंट ओके तुमने ऐसा ना कहने का साहस किया यू डिडेंट डेयर टू से लाइक दिस ना यहाँ पे पास्ट टेंस है तो निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हो जाएगा सो ही डिड नॉट डेयर टू से लाइक दिस अच्छा आप बिना अनुमति के कैसे प्रवेश कर सकते हैं राइट तो आप बिना अनुमति के बिना ज़रूरत के यहाँ पे क्या आएगा गाइस यहाँ पे नीड आएगा सो कैसे हाउ डेयर अच्छा हिम्मत भी यहाँ पे हो सकता है और नीड भी हो सकता है हाउ ओके सो आप बिना अनुमति के विदाउट परमिशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पे डेयर और नीड यूज होगा प्रवेश कर हाउ डू यू डेयर टू यू नो इंटर विदाउट परमिशन हाउ डू यू डेयर टू इंटर विदाउट परमिशन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाइस एनीबडी इज देयर एक भी कमेंट नहीं आ रहा है ओके सो आप बिना अनुमति के विदाउट परमिशन राइट कि कैसे प्रवेश किया तो कैसे प्रवेश किया यहाँ तो ना तो यहाँ पर हिम्मत की बात हो रही है ना ही यहाँ आवश्यकता की बात हो रही है बट यू हैव टू सेंस दिस कि यहाँ पे क्या आप यूज कर सकते हो लाइक अगर आप यहाँ पे ये सेल्फ और सिचुएशन बेस्ड होगा अगर यू नो अगर आप कोई यू नो फोर्सफुली घुसाया है तो डेयर किया है साहस की बात होगी या यू नो कोई नेसेसिटी की बात होगी कोई ऐसा इमरजेंसी है इसलिए घुसाया तो उसके हिसाब से नीड और डेयर आप दोनों यूज कर सकते हो ओके सो हाउ डू यू डेयर टू इंटर विदाउट परमिशन ओके सो नेक्स्ट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाउ डेयर यू है ना सो हिम्मत करो है ना तुम लुटेरों का सामना कर सकते हो है ना यू कैन फेस डेयर एंड फेस द रॉबर्स राइट यू कैन ओके सो यू कैन फेस द रॉबर यू कैन फेस द ड्राइवर रॉबर इफ यू डेयर यू कैन फेस द रॉबर हिम्मत करके तुम उससे लड़ो सो विथ डेयर यू फाइट विथ हिम ओके नो रिस्पॉन्स गाइस सो ट्रांसलेशन पार्ट में आज हम स्किप करते हैं गाइस ओके सो एक्चुअली क्या है कल हमने क्या किया था गाइस सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस किया था फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो सब्जेक्ट होता है एंड देन सेल विल होता है फिर बी होता है फिर वी फोर होता है ये एंड देन ऑब्जेक्ट होता है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं बट इसका अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो सिर्फ बीइंग लगता है बट ये जनरल लाइफ में यूज़ नहीं होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है ना तो इसलिए इसको हम नहीं करते हैं तो इसको हम स्किप करते हैं गाइस ये कल का ही है सो ओके
these all things already covered. So vocabulary करते हैं guys आज. सीमा का रेंज होता है एंड अभियान का कैंपेन होता है एंड संघ और लीग. लीग मतलब एक कमिटी, एक ग्रुप, तो उसको क्या कहते हैं, लीग. जैसे कि मुस्लिम लीग हिस्ट्री में आप पढ़ते थे, कांग्रेस लीग, तो एक संघ, एक ग्रुप, एक कमिटी, उसको हम लीग भी कहते हैं, है ना. श्रम लेबर, ओके. प्रदान का कॉन्फेयर, कॉन्फेयर, कॉन्फेयर मतलब प्रदान करना, राइट. सो देना का ग्रांट एंड डेवल का रहना. उसके बाद मनोरंजन का एंटरटेन. उसके बाद अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय लाइक यू नो एडवांस देना. तो बयाना हम बोलते हैं ना हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में बयाना बोलते हैं, जिसको हम एडवांस अमाउंट कहते हैं. तो EMD होता है, एडवांस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD बोलते हैं हम लोग, राइट. तो EMD तो अर्नेस्ट को बयाना बोलते हैं, ठीक है. जो एडवांस में अमाउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट, है ना. एडवांस डिपॉजिट लाइक यू नो एडवांस मनी डिपॉजिट EMD, टेंडर आप भरते हो तो EMD जमा करना होता है. अच्छा नेक्स्ट. अच्छा दीज आर द फ्रूट्स नेम, है ना. इसको आप इंग्लिश में कहिए. पाइन एप्पल है, ग्रेप्स है, पपाया है, गोवा है, कोकोनट है, ऑरेंज है, बनाना है, पल्मियरा फ्रूट्स है, तार का फल जो वाइट वाइट होता है, सेब, एप्पल, मैंगो, मैंड्रियन ऑरेंज, किन्नू, राइट. जंगली जलेबी को क्या बोलते हैं, पीथे सेलो बियम ड्यूडल ड्यूल्स, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली. कदम्बा फ्रूट्स, कदम का फल एंड स्वीट पैटेटो. दीज आर द यू नो फ्रूट्स नेम. आई थिंक यू शुड ट्राई टू से इन इंग्लिश वंस यू नीड टू से, ओके. सो दीज आर द वर्ब फॉर्म, ओके. सो बाय का क्या होता है, बाउट, बाउट, V2 V3 सेम होता है. एंड दीज आर सॉरी. सो फूंक मारना मतलब बुझाना या फूंक मारना. सो ब्लू ब्लोन, ब्लू ब्लोन, बर्नड, बर्नड, राइट. ब्रोक, ब्रोकन. सो ब्लू मतलब क्या होता है, फूंक मारना, तो ब्लो, ब्लू ब्लोन. बर्नड मतलब बर्न मतलब जलाना, बर्नड, बर्नड. ब्रोक, ब्रोकन. बिट, बाइट, बिट, बिटेन, दांत काटना. बिगेन, बिगन, बिगन, मतलब शुरू करना. एंड बनाना, बिकेम, बिकम. दीज आर द वर्ब फॉर्म गाइज. सो यू शुड रिवाइज एंड यू शुड मेमोराइज दीज वर्ब फॉर्म, ओके. सो थैंक यू सो मच गाइज आज क्लास में बने रहने के लिए. सो आई ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑन द ट्रैक बट आई कुडंट यू नो एक्सप्रेस इन बेटर वे. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम विथ मी. So yeah, by tomorrow I will be on the track, okay. So thank you to be here, okay. So thank you guys, we'll meet you tomorrow at 9 PM. Take care guys, have a lovely sweet dream to all of you over here. We'll meet you tomorrow, take care guys, thank you.